Assalamu alaikum Jibran. It's so nice to have you here today. So as you know that the elections are coming up. Hopefully they're going to happen. We don't know what's going to happen. But so this time around, how are you seeing? Will the elections take place? Apparently it's being said that they're rigged elections. Elections to ho hi nahi rahe, bas ek rigging ho rahi hai for the naam jisko lana hai. What is your take on this entire election fiasco which is happening right now? मेरे ख्याल के अंदर अगर आप पाकिस्तान के माजी पर नज़र डालेंगे तो जिसको आप प्री पोल रिगिंग कहते हैं वो किसी ना किसी हवाले से हमें नज़र आएगी। मैं पिछले कुछ इलेक्शंस की बात कर लूँ, 2008 में ये बात आसान है कहना कि जी एक सिंपथी वोट पीपल्स पार्टी को मिला, मगर आप ये भी जहन में रखें कि एक पार्टी की 20-25 साल पुराना क़यादत, 30 साल पुरानी क़यादत जो है वो एक वाक़े में अचानक शहीद कर दी गई। आप जिसको कहना ख़त्म कर दिया आपने क़यादत सडनली, और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक अनार्की पैदा हुई। वो फिर पार्टी ने जैसे अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा किया और बहुत धड़े नहीं बंटने दिए, और मगर उसको भी आप कह सकते हैं एक प्री पोल नुकसान ही था ना उनका, अगर आप उसको रिगिंग का लफ्ज ना देना चाहें तो, बट ऑड्स वर अगेंस्ट देम इन दैट सेंस। अच्छा, उससे पहले आ जाइए तो जो 6 महीने बेनज़ीर साहिबा ने 5 महीने गुजारे थे पाकिस्तान आके, आते के साथ ही पहले दिन यहाँ शायर फैसल पर इतना बड़ा धमाका हुआ, यानी कि डर जाए बंदा बाहर निकलने से, इनके साथ खड़े होने से, वो तो मैं प्री पोल रिगिंग की जुमरे में लेके आऊँगा। फिर 2013 के अंदर आप देखेंगे तो ANP के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पे हमले हो रहे थे, खासतौर पे KP में, कराची में भी कुछ वाक़ात हो रहे थे, बलूचिस्तान पंजाब में भी, MQM के कारकुनान पे हमले हो रहे थे, खासतौर पे जिनका TTP के हवाले से एक ऑपरेशन को लेके व्यू था कि हमें निगोसिएशन नहीं करना चाहिए, हमें रेट ऑफ सेट कायम करनी चाहिए, उनको ये फेस करना पड़ा। मेरे ख्याल में शायद गालिबन शहबाज शरीफ साहब थे जिनका बयान आया था कि भाई हम तो आप नज़रियाती भाई हैं, खुदारा पंजाब में अटैक मत कीजिए। 2018 में हमने देखा पनामा की वजह से नवाज शरीफ साहब को, चूँकि आज उन तमाम केसेस में हम उनको बरी कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी जो है मट्टी डाल ले सर में, मीडिया मट्टी डाल ले सर में, हम मट्टी डाल लें सर के अंदर, क्लियर बात करें ना, या तो बोलें कि हमने ये धोखा दिया है और हमने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को थ्रू ए कंस्पिरेसी हटाया, गिराया और मुल्क की मईशत का चलता हुआ पहिया रोका, इसका यह मतलब नहीं कि यही होता रहेगा। ठीक है, ये तो वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई माजरत के साथ कि पहला बच्चा पैदा हुआ था हम पोलियो का खतरा पिलाना भूल गए तो दूसरे बच्चे की भी ये तैयारी करेंगे, ऐसा तो नहीं होता, आने वाला कल बेहतर ख्वाब हम देखते हैं। और ये अब आप 2024 देख लीजिए तो आपको, चूंकि ये लिविंग फ्रेश मेमोरी है, रिसेंटली है और सोशल मीडिया की वजह से बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो ऐसी कौन सी चीज मेरे ख्याल में जिसने आज तक दुनिया में प्री पोल रिगिंग की किताब लिखी होगी उसने ये पिछले 6 महीने देख के उसमें 5-6 चैप्टर्स ऐड कर लेने हैं कि ये भी होता है प्री पोल रिगिंग के अंदर। ठीक है, कि आरओ बैठा हुआ है उसके हाथ से कोई कागज ले गया और आरओ CSS ऑफिसर होने के बावजूद कह रहा है कि मुझे आपने कब कागज दिए, पक्के मुंह से कहते ना भोला बन गया पक्के मुंह से। इतने ज्यादा गुमशुदगियां, गिरफ्तारियां और लोगों को ठाना हो गया कि हम देख रहे थे कि मीरा में और ऑल्टो के अंदर भी लोग गायब किए जा रहे हैं, उनको ट्रेंड करके वो कह रहे बड़ा के डाला बनूंगा ऑल्टो का। तो सिंबल ले ली जब सबसे जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बकौल 1988 और 1989 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें तो ये एक व्यू फॉर्म किया गया है कि सिंबल इलेक्शन का, जमहूरियत का और पार्टी की रूह होती है। तो आपने तो रूह कब्ज कर ली, बचा क्या पीछे फिर लिटरली, बट लोग अपने इतने इसमें इलेक्शन लड़ने, तो ये डेफिनेटली हमारी हिस्ट्री रही है। और यकीनी तौर पर उस वक्त जो मंजूर नज़र ना हो, चूँकि हमारे यहाँ हमेशा फ़र्क रहा है कबूलियत का और मकबूलियत का, सोहेल वराइज साहब ने बड़ा अच्छा ही एक जाविया दिया चीज़ों को देखने का, तो ये है अनफॉर्चुनेटली। और मेरे ख्याल में इसकी वजह से एक सेंस ऑफ डिजेक्टमेंट है आवाम में, एक मायूसी है, एक एपथी आ गई है कि क्या इस वोट को देने का फ़ायदा है, क्या कुछ बदलेगा, और अगर मेरे वोट से बदल गया मतलब कि मैं किसी को ले आया तो क्या उसे चलने दिया जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज को अगर बंदा देखता है तो बंदा कहता है कि why invest in it? क्यों ना हम अपना 9-to-5 करें, जरिया माश कमाने की कोशिश करें, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करें इस टूटे फूटे माहौल में जो भी पॉसिबल है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक किसी भी माशरे का बहुत बड़ा लॉस है। The democratic process in itself has gotten into a very big question mark है लोगों के दिमागों में कि क्यों है, ये है भी क्यों, ये है नहीं, मतलब it's a facade, people are saying it's just a facade, everything is pre-decided, मगर ये हमेशा से होता आ रहा है। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये हो रहा है, मतलब आई थिंक एवरीबडी इन पाकिस्तान वुड नो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज इट स्टिल बीइंग रिपीटेड बाय द वंस व्हिच हु आर रिपीटिंग इट, इतनी ब्लेटेंटली क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद अवाम के पास पावर नहीं है, अवाम आर पावरलेस। हमारे यहाँ कहते हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये एक जुडिशरी है, ये एक हमारी पार्लियामेंट है
और ये हमारा एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी हुकूमत वक्त भी आती है, उसी के नीचे डिफेंस मिनिस्ट्री, उसी के नीचे सारी आर्म्ड फोर्सेस और दिफाई इदारे आते हैं। हमें ये तारीख बताती है कि हमारे एग्जीक्यूटिव की जहाँ तक बात है, इसमें जो एक भारी तबका है और जो सेक्टर है वो हमारा मिलिट्री डिफेंस सेक्टर है, कि उनका इकोनॉमिक पॉलिसी भी फाइनेंस पॉलिसी भी नेशनल पॉलिसी इंटरेस्ट पॉलिसी जिसको अब हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम डोमेन्स हैं जहाँ पे उनका एक इन्फ्लुएंसर वो एक्सरसाइज करते हैं और चीज़ें वहाँ से रोटेट होती हैं। ये एक पार्लियामान है जिसमें ट्रेजरी बेंचेस हैं, अपोजिशन बेंचेस हैं, मेजॉरिटी बैठी माइनॉरिटी बैठी हुई है, और ये हमारी जुडिशरी है। जब जब आप इस एग्जीक्यूटिव के ढांचे को देखते हैं और आप इसमें देखते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस तरह से निज़ाम नहीं चला पा रहे जैसे वो चलाना चाहते हैं, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेटली देखेंगे इमीडिएटली उस हाउस को जहाँ से ये इलेक्ट होके आए थे, और वो पार्लियामान है। उस पार्लियामान के अंदर इनके साथ मजबूरी कमजोरी ये होती है कि बदलते वक्त और हालात के साथ जो एक इलेक्टेबल्स की सियासत इस मुल्क में रही, और इलेक्टेबल्स अरबाब इख्तियार जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके कहने पे यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, कभी नून लीग में चले जाते हैं, कभी पीटीआई में चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे कोई इलेक्टेड तबके का कन्फ्रंट्रेशन होता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी खलबली मचती है, जो जहाँ से आए थे पंछी उड़ के वो माइग्रेटरी बर्ड्स वापस उड़ के वहाँ चले जाते हैं, मगर जो अपोजिशन है जो दूसरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी आवाम में जड़ें हैं वो उस वक्त रेजिस्ट करने के बजाय इस हॉर्स ट्रेडिंग को वो अपने आर्म्स ओपन करते हैं, वो गले लगाते हैं, वो ये नहीं कहते कि यार नहीं, टेक्निकली अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस वक्त बात हो रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, इलेक्टेड हाउस की, तो हमें इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, हमें उस गिरती हुई हुकूमत को देख के अपने नहीं, मैं देखें इस पर हम नहीं आ रहा कि वो क्यों है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस हाउ इट वर्क्स, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ व्हाई इट वर्क्स, उसमें मैं नहीं आ रहा। एक ये आपका नुकसान हो गया, फिर आप जब देखते हैं कि जी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर एक तीसरा इदारा है जिसके पास कोई फोर्स नहीं है, कोई फौज नहीं है, उस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी सब डील नहीं कर रहा, मगर एक आइनी अथॉरिटी है और आइन से ज़्यादा एक मॉरल अथॉरिटी है। देखें हमारा जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा आपका वहाँ, वो लिखा हुआ नहीं है, वो एक जेंटलमैन्स वर्ड कह लें, लेडीज़ वर्ड कह लें, जो भी आप वर्ड कहना चाहें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपकी एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है, ना सिर्फ इसलिए कि मैं आपका मेहमान हूँ यहाँ पे, आप इस पे बैठी होती, मैं साथ बैठा होता, आपकी एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको मारना नहीं शुरू कर दूंगा। Absolutely, और मेरी नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि आप पलट के गाली नहीं देना शुरू कर देंगी। ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम माशरे के दो शहरी हैं, हम साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिटर्न नहीं होती। तो एक मॉरल और सबसे ज्यादा आइनी अथॉरिटी एक हमारी जुडिशरी रखती है, जिसके पास ये बार बार मौका होता है कि वो ये देखे कि दरअसल हो क्या रहा है चीज़ों के साथ। तो हम कभी जस्टिस नसीम मुनीर की बात करते हैं माजी में, कभी नसीम हसन शाह साहब की बात करते हैं, कभी साकिब निसार साहब की पनामा के हवाले से बात करते हैं, इफ्तखार चौधरी साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से बात करते हैं, गुलजार साहब की और बंदियाल साहब की, हम पिछला अरसा कुछ महीने बात करते रहे, आप काजी फैसल साहब की बात कर रहे हैं, तो कि इनके फैसले चुके और रिपीटेडली हम उन फैसलों की बात कर रहे हैं जो कि हमें इन हाइंडसाइट पता चलता है कि डिड नॉट बेनिफिट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, मे बी उस वक्त वो अरबाब इख्तियार की ख्वाहिश से मिलता जुलता था या वो उस वक्त एक पॉपुलर डिसीजन था। देखिए जजेस आर इन अ वेरी अनएनवियेबल पोजिशन, ना जजेस को पॉपुलैरिटी से सोशल मीडिया से मुतासर होके कि अवाम में मकबूल क्या है यूं, और ना कि अरबाब इख्तियार को कबूल क्या है, उनको ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और पिछले हमारे 50 साल आइन के बताते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ने कैसे अपने आप को अनरैवल किया है, तो आपको पता है कि आगे जाके भी इसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होंगे। देखिए ना आपने ये तमाम तर चीज़ें देख के कहा यार कि ये 62(1)(2)(f) जो ता हयात जिम्मेदारी थी 62(1)(ए) एक फेम में ये गलत थी, 62(1)(f) ने काम ख़राब कर दिया, इसको सस्पेंड ही कर दो कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती। तो आप देखते ना कि चीज़ें रोल आउट कैसे करती हैं, तो आप उस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं करते। तो अगर कोई उस वक्त वाहवा करवाने के लिए कर रहा था या उस वक्त कोई पीठ थपथपाने के लिए कर रहा था, दोनों गलत कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ से भी हमें मायूसी होती है, ये जो दूसरा हाउस है हमारा जिसको आप डिफेंस मिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, इसके अंदर जो एक यूनिटी है कमांड है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें बाकी ना पार्लियामान में नज़र आती है ना बाकी जुडिशरी में नज़र आती है और कैबिनेट में नज़र भी नहीं आती, तो उसका डेफिनेटली एक फ़ायदा है एक ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ मुस्तकिल टग ऑफ वॉर चल रही हो। तो एक तरफ खिंचाव है उस तरफ खिंचाव है, यहाँ एक मुस्तकिल ताकत है, यहाँ ताकतों में से कुछ लोग यहाँ चले जाते हैं फिर कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, तो जब यहीं से लोग यहाँ चले जाएंगे तो रस्सी तो यहीं खींची चली जाएगी ना भाई। हाँ।
और ये वाला जो भी, और यहाँ जो अकेला रह जाता है वो चेंज होता रहता है, कभी कोई है, कभी उसका नाम इमरान है, कभी उसका नाम बेनजीर है, कभी उसका नाम नवाज है। तो अगर मुस्तकिल ताकत ये डिसाइड कर ले कि इधर जो भी हो रहा हो हम मुस्तकिल ताकत नहीं घुस रहे इस ताकत में, तो डू यू थिंक थिंग्स विल गेट बेटर? देखिए इट इज अ यस और नो क्वेश्चन। नहीं ये डिसाइड कर ले, ये डिसाइड कर ले, हम यूटोपिया में रहते हैं, पहले हमसे आप ये पूछेंगे यस और नो में, फिर मैं आपको बता दूंगा यस और नो में। अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप डिसाइड कर लेंगे। देखिए थोड़ी मेरे ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम के साथ एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग ज़रूरी है, एक दूसरे के वजूद को बिल्कुल एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और मैं इस ग्रैंड डायलॉग के अंदर सिर्फ हमारी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी और हमारे तमाम अकाबरीन और जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं उनकी और जुडिशरी की और अपने मिलिट्री फोर्सेस की बात नहीं कर रहा। इवन जो अब हमारे सामने एक बड़े बड़े सेक्टर्स और तबके हैं सोसाइटी के जहाँ हमें लगता है कि वो मेन स्ट्रीम में अपनी नुमाइंदगी नहीं देखते, जैसे कि पश्तून तहफ़ मूवमेंट एक अच्छी बड़ी, अब जो वो लोग जगदेती कमेटी के जरिए मारंग और समी बलोच जो हैं, बेशक वो एक महीना वो पुराना हुआ हो, बट आपको कम से कम उस पूरे ग्रुप से किसी को स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करके, रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाई करके, मामा कदी तो 15 साल पहले से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल फ्रॉम देयर, इनको भी लाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन इनकी आपको लानी पड़ेगी कि भाई ये आएं और एक ग्रैंड चीज़ों का हो। बट मोस्टली जहाँ तक आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी दैट ग्रैंड डायलॉग। और ये सिर्फ उससे चीज़ें नहीं संभलेंगी, थोड़ा बहुत देखिए किसी भी को, और एक कुदरती चीज़ है, अगर मेरी हदूद का तायुन नहीं है तो मैं गाड़ी ज़िगज़ैग चलाऊंगा, तो आपको ये हदूद का तायुन करना पड़ेगा और उसके लिए एक यूनिटी, एक कंसेंसस, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो सख्त हुआ था दोबारा उसको रिविजिट करके विद इन द पार्लियामेंट, और एक जुडिशियल रिफॉर्म। ये अभी के मौजूदा 11 जजेस बैठ के क्या चार्टर करेंगे अपने अंदर जुडिशरी का, चूंकि अभी आप रिटायर हो रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है या नॉर्मल रिटायरमेंट होगी, सुपरनंसिएशन होगी और फिर नए लोग आते रहेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म हैज टू कीप अ टैप के जी हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जो एलिवेशंस हो रही हैं क्या वो नेपोटिज्म की वजह से हो रही हैं, क्या वो एक मखसूस तबका जिसकी फेस वैल्यू है जो कि एक मखसूस लॉबी से आता है, जो कि बाज में भी लॉबी बनी हुई है वहाँ से हो रही है, क्या वो किसी इदारे की या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की किसी की भी फरमाइश पे हो रही है या वो मेरिट पे हो रही है प्योरली, ठीक है, चीज़ों को देखे तो वहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ तो आज बैठ के फिर भी 5-6 जमातें फ़ौरन की बात कर सकती हैं। जुडिशरी में काम स्लोली ग्रेजुअली होगा, बट जुडिशरी में एक अच्छी चीज़ ये है कि हम फिर भी एक नज़ीरों की कैद में हैं, हमारे जुडिशल प्रेसिडेंट्स हमारे लिए हदूद का तायुन कर देते हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं रिसेंट कुछ फैसलों में कि 8-8 रुकनी बेंच के फैसले, 11-11 रुकनी बेंच के फैसलों को बिल्कुल ही इग्नोर करके एक नई ज्यूरिसप्रूडेंस कायम की जा रही है, जैसे कि इलेक्शन सिंबल लेना। अच्छा तो इधर हम लोग खैर हमारी जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसको तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस इदारे को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हॉर्स ट्रेडिंग भी तो इलीगल है। ये जो सिंबल पे अभी जो सब पंचायत हो रहा है कि सिंबल ले लो, ये कर लो, उसको नाहिल कर दो नवाज शरीफ, हॉर्स ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ केस सुना भी था, फिर वो इतना कुछ उस पे एक्शन नहीं लिया गया, इनके खिलाफ आपकी स्ट्रांगली एक्शन क्यों नहीं? पंजाब के अंदर आपने दूसरे को वोट देने के लिए आपने डिफेक्ट उनको करार दे दिया और उनको फारिग कर दिया था, तो हम इस पे क्यों नहीं कर सकते? जुडिशरी कैन कंट्रोल हॉर्स ट्रेडिंग, राइट? बड़ा वाज़े है कि देखिए क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप वोट करेंगे अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी, जिस तरह फाइनेंस बिल हो गया, जिस तरह इलेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर हो गया इन द प्रोविंशियल असेंबली एंड द प्राइम मिनिस्टर हो गया और चीज़ें, तो वो डेफिनेटली आप फिर इसमें एक डिफेक्टर के जुमरे में आ जाते हैं। यू कैन ऑल्सो नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, बट अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, वो एब्सटेन करते रहते हैं पार्टी की पॉलिसी के हवाले से, उस तरह से वोट नहीं करते जैसे कि उनको करना चाहिए, वो एक चीज़ डेफिनेटली होती है। बट अब आप ये देखिए ना कि ये जो आपने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिंबल लेने के बाद, ये बात अब ये समझ नहीं रहे हैं कानून की नज़र से, जो मैं इसको एकेडमिकली देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम नहीं है किसी पार्टी को मोटिवेटेड रखना या डीमोटिवेट करना, मेरा काम है एक एकेडमिक बात करना। एब्सोल्युटली एक रूल एग्जिस्ट करता है, रूल 94 इलेक्शन रूल्स 2017 में, वो कहता है उस रूल के तहत हम नोटिफाई करेंगे कि वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वन बाई ए पॉलिटिकल पार्टी इन आफ्टर एन इलेक्शन, उसके नीचे वो एक मखसूस एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर रूल इसमें ये नोटिफिकेशन निकलना है कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीते, पार्टी की तारीफ है वही पार्टी मानी जाएगी जिसका सिंबल है। तो फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर पर्पस पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एनीमोर, जबकि रजिस्टर्ड है एसीपी के साथ। तो अब वायलीज उस रूल की चैलेंज होनी चाहिए, बट जब तक वो नहीं होगी, जब तक दैट रूल इज इन द ग्राउंड, ये एक और बहस छिड़ेगी।
अब नोटिफाई होने के बाद कि आज महासिद्दीकी मुबारक हो, आप इस हल्के से इलेक्शन जीत गई हैं, आपको आइन 3 दिन देता है कि 3 दिन के अंदर तय करो आजाद रहोगी किसी पार्टी को ज्वाइन करोगी। अब आप उस 3 दिन के अंदर, चूंकि आप आजाद इलेक्ट हुई हैं, गो आपका नाम insaf.pk पे था, गो आप खान साहब की तस्वीर अपने पोस्टर पे लगाई हुई थी, गो आपको वोट देने वाले सारे पीटीआई के वोटर्स थे, आप आपके पास एक आईनी कवर आ गया कि जाओ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो, नून लीग ज्वाइन कर लो या कोई भी और जमात ज्वाइन कर लो। अब उसकी वजह कोई लालच होगी या दबाव होगा, चूंकि दोनों माजरी के अंदर हमने देखा ये हकीकतें रही हैं, बट आप एक तरीके से हलाल कर दी ना, आपने आईनी कवर दे दिया इस हॉर्स ट्रेडिंग को, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग ही कहेंगे, इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली वो वर्ड्स थोड़ी आपने देखने हैं, आपने तो वो एक्ट और फेल देखना है ना, उसका इम्पैक्ट देखना है। तो आप इस तरह की परवर्जन सिस्टम में जब अलाउ करेंगे, जमहूरियत का जनाजा निकलेगा, जो निकल चुका है और हम देख रहे हैं निकल भी रहा है। नहीं नहीं, बड़ी रेजिलिएंट है ये भाई, ये कोमा में जाती है, ये वापस आती है, ये शॉक्स में चली जाती है, इसको सीजर हो जाते हैं, इसको फिट्स हो जाते हैं, हम इसको बहुत तकलीफ देते हैं, मर नहीं रही है ये। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जमहूरियत है ही नहीं, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से 9 साल आपने 10 साल कोमा में डाला, जाउलक में आपने कोमा में डाला, उठ के बैठ जाती है, मगर मुझे लग रहा है नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत अभी सिर्फ एक फसाड है मेरे ओपिनियन में, यू मे डिफर, इट्स जस्ट अ फसाड, और ये जमहूरियत का पाकिस्तान में कोई नामो निशान है ही नहीं, बट एनीवे वो एवरीबॉडी वाज गोइंग टू डिफर। जमहूरियत जो है ना, इज नॉट जस्ट अ सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, जमहूरियत मेरे नजदीक पे बुनियादी तौर पे इज अवाम की उमंगें। Exactly. और अगर अवाम की ये उमंगें हैं, टाइम एंड अगेन ये प्रूफ हुआ है, वो फट पड़ते हैं जब एक अवामी लीडर किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की सूरत में नुमाया हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की सूरत में, चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में, चाहे 80 की दहाई में अल्ताफ हुसैन की सूरत में कराची में नुमाया हो, चाहे वो बादशाह खान की सूरत के अंदर नदन एरीज में नुमाया हो, लोग निकल आते हैं, चाहे वो अभी रिसेंट हालिया हिदायत और रहमान की सूरत के अंदर गवादर में मकरान की पट्टी पे निकल के आया हो, चाहे वो मेहर सत्तार हो उकाड़ा के फार्मर्स का, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो, वो ये सारे मतलब के अवाम से लोग हैं ना, वो निकलते हैं और जुड़ते हैं और इनकी बात करते हैं और कहते हैं कि हम में से नुमाइंदगी आनी चाहिए, हम में से लीडरशिप आनी चाहिए, हमारी राय शुमारी होनी चाहिए। ठीक है, ये ही बेसिक जमहूरियत है जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं। अब यकीनी तौर पे ख्वाहिश तो मेरी और आपकी जन्नत की है, मगर उसके लिए मरना पड़ेगा, अफसोस की बात है। तो जन्नत बनाने का एक सफर लंबा है ना, तवील है, और फिर जन्नत के अंदर भी जरूरी नहीं है कि फिरदौस ही होगी, वो भी फिर लेवल्स हैं। तो अभी हम छोटी वाली जमहूरियत पे हैं, हमने फिरदौस की तरफ का सफर तय करना है। मगर आपको नहीं, अच्छा मेरे लिए डेमोक्रेसी मीन्स द अवाम पावर, सबसे पावरफुल है, अवाम की आवाज सबसे ऊपर है। आपको नहीं लगता कि जब भी अवामी लीडर उठता है या उभरता है या खड़ा होता है, उसको हमेशा दबा दिया जाता है? आज तक मैंने कोई अवामी, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद अल्ताफ हुसैन, ही इज नॉट समबडी आई वुड कॉल माय लीडर, ही इज नॉट समबडी जिसकी पॉलिसी से मैं अग्री करती हूँ, बट अवाम थी, आप उसको है, हाँ, अभी भी काफी लोग हैं। अभी मुझे बताइए ना, इस वक्त कराची के अंदर क्या वजह है कि एक कौमी असेंबली का आजाद उम्मीदवार निसार पावर और उनके बेटे सूबाई असेंबली के मोहसिन पावर घर से आज 9वां दिन है गालिबन के वो गायब है। 9 जनवरी को रात के 2:30 बजे घुस के घर के अंदर बगैर कोई वारंट दिखाए हुए, बगैर कोई एफआईआर दिखाए हुए, दोनों को बोला आ जाओ, क्यों? चूंकि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे, यानी कि आइन कहता है, कानून कहता है, एफबीआर कहता है, नैब कहता है, सारी यूटिलिटीज डिपार्टमेंट कहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इन सबका खाता क्लियर है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये आवाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी अवस्था की कहीं और है। भाई या तो आप ये कानून चेंज कीजिए, और अगर नहीं चेंज कर सकते तो उनको हक दीजिए, मगर इस तरीके से किसी को गायब करके हमसे भेजा में रखना, मेरे ख्याल में उनके साथ जो तीसरे आजाद उम्मीदवार जौहर आबिद एडवोकेट अगवा हुए थे, वो शायद इस वजह से घर आ पाए कि बींग एन एडवोकेट बाहर से थोड़ा शोर मचा, हड़ताल भी हुई हमारे यहाँ केबीए के अंदर, थोड़ा प्रेशर था, एंड मे बी बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, बट ये थोड़ी कि अगर कोई जवान का बच्चा आपने उठाया तो रखोगे तक रखोगे। और ये सब अनफॉर्चुनेटली इवन जो सबका सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टेक्निकली सेम कश्ती में सवार हैं एक तरीके से, जो स्टेट ऑपरेशन आप फेस कर रहे हो, दे नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मतलब ये नहीं है कि जो आप मसला ये कि जो भी इख्तलाफ राय रखता है, इलेक्शन के वाले से उनके साथ भी, तो मैं वही बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे इमरान खान हो, जो भी आवाम चूज करे उसको आने की इजाजत होनी चाहिए, इट शुड बी द पावर ऑफ द पीपल, इट शुड बी एज सिंपल एज दैट, मगर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। तो जिब्रान ये भी एक चीज है कि हम सुन रहे हैं कि कहां से आवाज आ रही है, हाँ ये खबरें आ रही हैं हमें कि शायद आप भी पीटीआई की तरफ आपका ज्वाइन करने का कुछ है टुवर्ड्स। मैं आजाद उम्मीदवार हूं, यू आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं ऑलरेडी आजाद हूं और मैंने ना कोई ऐसा सिंबल इख्तियार किया, इवन अगर आप मेरे इलेक्शन पोस्टर्स देखेंगे तो विजुअली भी
देखिए ना, ये तो एक होता है ना, नहीं इवेंचुअली अगर आप जीत जाए मैं तो, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि जो होती है ना थोड़ी नॉटी हरकतें जी, जी। मुझे कोई रोकता तो नहीं है ना, मैं ग्रीन और रेड रंग का पोस्टर बनाना शुरू कर दूं। देयर इज सम वे दैट यू कैन क्रिएट अ विजुअल कंफ्यूजन। माय कलर्स इवन आर येलो एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड व्हाइट, दे हैव नथिंग टू डू विद पीटीआई। यू सी अ पोस्टर ऑफ माइंड, यू विल नेवर एसोसिएट पीटीआई विद इट। ठीक है, और इस वक्त सिर्फ ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने आप को नजरियात में वहां पा रही है जहां अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से खड़े थे। ठीक है, तो वो एक ये चौक है, राउंड अबाउट है, मैं हम यहाँ खड़े थे, तहरीक इंसाफ यूं चली 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 घूम के आके मेरे पास अभी रुकी है, और हो सकता है कि थोड़ा आगे निकल जाए दोबारा से और दोबारा सर्कल ऑफ लाइफ में उधर ही चली जाए। ठीक है, कोई नए साहब आएंगे, उनको लगेगा यार नहीं मियाँ साहब और बिलावल समझ में नहीं आ रहे, आवाज देंगे भाई खोलो जेल, खोलो अडयाला, निकालो शहजादे को बाहर। हाँ। चूंकि आप जब किसी को लाते तो आप तो ही बताते हैं ना कि शहजादा आप ही तो हैं, अरे तख्त आपका बर्थ राइट था बैठना। हम जब करते हैं ना किसी को पंप अप, तो पंप अप भी ऐसे करते हैं कि उसको लगता है कि ओ ये एक इंसान आया है जिस तरीके शोहरत के साथ, लीडरशिप के साथ कुदरती तौर पे एक नार्सिसिज्म आ जाती है। मेरे अंदर भी एक छोटा नार्सिसिस्ट रहता है। ठीक है, और नौ रतन जो है वैसी मौत है किसी भी बादशाह की, तो आपको जब चढ़ाया जाता है ना, पंप अप किया जाता है, तो सर आप ही तो थे, तो आपको ये लगता है कि आप तो ऑलरेडी अपने अंदर समझते हैं कि आप में सलाहियत है, तो जब कोई दूसरे इदारे से जहाँ से आपको पहले तलखी या अख्तलाफ का सामना था, वहां से कोई आगे कहता है कि सर यू आर इट, तो आप कहते हो फाइनली समबडी गेट्स मी, तो आपका वो बॉन्ड भी बन जाता है, आपकी वो टीम भी बन जाती है, और आप उसको आगे भी लेके आते हैं। तो ये हो सकता है दोबारा आए। और मेरे लिए एक बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त जो सियासी पार्टीज का मिजाज रहा है, चूंकि इस उम्र में भी आके एक मैच्योरिटी नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिखाई कि मियां साहब आप और बेनजीर एक दूसरे के साथ एक करते रहे खिलवाड़। पीपल्स पार्टी उस वक्त की और नून लीग करती रही, जिसकी इनिशिएशन मेरे ख्याल में नून लीग की तरफ से हुई थी, और जेंडर को लेके हुई, उनके किरदार को लेके हुई, बड़े अटैक इस किस्म के अटैक्स हुए किए गए, उन्होंने भी अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अब जब ये आपके साथ हुआ खान साहब के दौर में कि आपकी बेटी को आपसे मिलने आई, वहाँ से उठा के ले गए, गिरफ्तार कर लिया, उसको अकेले रखा, वो नैप के हवाले से कैसे कहती थी रिकॉर्डिंग है, वीडियो कैमरा से ये शिकायतें उन्होंने की, विच वर ग्रेव एलिगेशंस विच शुड हैव बीन इंक्वायर्ड इनटू। आपकी बीवी का इंतकाल हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू इवन स्पीक विद हर इन हर लास्ट मोमेंट्स ऑफ बी विद हर, आपकी बेटी है, सब गुजरे उन केसेस के लिए जिसमें आज बताया जा रहा है कि आप बरी हैं। ठीक है, यानी कि आपको उस क्रिटिकल मोमेंट ऑफ योर लाइफ में कि आपने किसी औरत के साथ अपनी जिंदगी के 40-50 साल गुजारे हैं, आपकी सारी औलादें उसके साथ हैं, एक रिश्ता है ना बड़ा होता है फैमिली के अंदर, और आपको डिनाई किया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकिंग, तो आई कैन इमेजिन कि इंसान भरा हुआ है। तो अब आपने कहा है कि मैं गुस्सा ठंडा यूं करूंगा जो ये हो रहा है इसको इंडोर्स करके, या ये कह के कि जी मैंने तो नहीं कहा था ये करें, इनकी खुद की शामत आई थी, ये खुद ही कन्फिल्ट्रेशनल हो रहे थे, इन्होंने खुद जाके दीवार पर सर मारा, बेशक मारा, यार आप तो मैच्योर हो ना, आप तो थर्ड टाइम पीएम हो, फोर्थ टाइम बनना चाहते हो, तो आप तो वैसे ही कहते हो आप इमरान खान से ज्यादा सियाने हो, तो जरा सबूत देते, जर्फ दिखाते, आगे बढ़ते और कहते यार ये नहीं, कहीं बीच में कोई मामला बेहतर हो। तो हम अगर खान साहब अब निकलेंगे, खान साहब को गिला रहा कि जी मेरी जो पहली अजवाजी जिंदगी थी उस खराब करने में बड़े एलिगेशन लगाए, चूंकि वो गैर मुल्की थी और उन्होंने कन्वर्ट किया इस्लाम में, और ये सारी बातें एलिगेशन और बहुत आन लगते थे, और अभी भी अपेरेंटली कोई ड्रग केस भी ऑन जमाइमा, उसके बाद अब तक जो उनकी मौजूदा अजवाजी जिंदगी है और शादी है आपने उसको लिया हुआ ना, तो मेरे ख्याल में जो उनके हवाले से मामला तब थे बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर बहुत कम थे, बुलिंग होती थी, अरे तुम खिलाड़ी हो या क्रिकेट में जाओ, मुझे पता था कि थर्ड और सेकंड टीयर एमक्यूएम की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ 2016-6 में और 7 में जियो पे बैठते थे, मतलब एक पार्टी का चेयरमैन और दूसरा सेकंड थर्ड टीयर बैठी हुई पार्टी की, और ताने देती थी, और खिलाड़ी तुम जाओ मिडविकेट पे फील्डिंग करो, तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो आई कैन अंडरस्टैंड द बुलिंग हिज गॉन थ्रू। फिर आपने उनको यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया इतने साल तक, प्लेबॉय, बट अब तो उनके बड़े नेचुरल ग्रीवेंसेस हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, व्हाट द वुमेन वेंट थ्रू, व्हाट द फैमिलीज वेंट थ्रू, व्हाट द वर्कर्स वेंट थ्रू, एंड व्हाट ही इज पर्सनली गॉन थ्रू। तो वो अगर निकल के बदला ही लेंगे और फासिज्म की वेव आनी है, जो देखे ना, एक है मदीना की रियासत का ख्वाब दिखाना, एक है फतेह मक्का के बाद आम माफी का जर्फ पैदा करना, ठीक है, बहुत कम लोग, आपने अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो आपको तो आम माफी देनी होगी। ये बात हमको जो कि उस नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, मानने वाले हैं, ठीक है,
और हमारा ईमान है कि उनके ऊपर जान भी कुर्बान है, उनकी हुरमत पे जान कुर्बान है, ठीक है। तो ये बात नेल्सन मंडेला को समझ में आ गई रिकंसिलिएशन करके, हमें नहीं आ रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ, क्या नेल्सन मंडेला ने हमसे ज्यादा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, हमसे ज्यादा कुरान पढ़ा या इस्लामी तारीख पढ़ी कि उसको ये बात समझ में आ गई, जो कि देखिए सुन्नत सियासत है, एक मखसूस चीज है कि जो अल्लाह का आखिरी पैगम्बर है उसको सिर्फ एक दाई नहीं बनाया हुआ, वो सिर्फ दावत नहीं दे रहा, वो स्टेट्समैन भी है, उसने मामला भी बताया आपको, उसने इकोनॉमी भी बताई आपको, उसने वर्कफोर्स मैनेजमेंट भी बताई आपको, उसने खवातीन की जगह भी सोसाइटी में बताई आपने, उसने स्लेवरी के हवाले से भी चीजें बताई, बच्चों के तिफल के हकूक आपको बताए, व्हाट टाइम रूल्स आपको बताए, वो पूरी दुनिया सीख लेती है, उसको इम्प्लाय कर लेती है मॉडर्न फिलोसफी के अंदर। तो भाई अगर आप मंडेला ही बन जाए मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो भी सियासत में आने की कोशिश करते हो सबसे पहले रिलीजियस अटैक ही होते हैं, यू हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव बीन अ टारगेट ऑफ इट आल्सो, एंड यू अगर आप इमरान खान या नवाज शरीफ से कंपेयर करें दोबारा मेरी कोई कैंपेन का एड शेड वायरल हो गया तो शुरू हो जाएंगे, हां हां, तो आप पे भी ये लेबल है कि आप कादियानी हैं और आप नहीं उनको खुला बोलते, तो ये तो आपके साथ भी हो रहा है, और पीपल्स पार्टी की जाने से ये बात होना जरूरी है मीडिया में, लोगों को लगेगा टीएलपी वाले ये भुतानबाजी कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, मकामी सतह के ऊपर ये शुरू किया था फंक्शनल लीग के कुछ लोगों ने और पीपल्स पार्टी ने। अभी इस वक्त मेरे खिलाफ जो एमपी नजमी आलम साहब हैं पीएस 110 पे, उन्होंने तो मस्जिद में जाकर तकरीरें करके भुतानबाजी की थी, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी, उनकी पार्टी ऊपर बड़ा कहती जी हम लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, बट मकामी सतह के ऊपर ये, और फिर मुर्तजा वहाब साहब मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके, तो उस दौरान कुछ और चीजें और बातें हुई, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बट वेरी अनफॉर्चुनेट मुझे पता नहीं था कि मैं स्टूडियो में नहीं मैं कब्र में हूँ नहीं एक्चुअली और आप आ गए हैं साथ लेने के लिए पूछिए मुझसे मेरा दीन पूछिए मुझसे मेरा खुदा पूछिए मुझसे मेरा नहीं मैं दीन नहीं मैं आपसे पूछा हमने क्यों नहीं एड्रेस किया ये प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं ना इनको एड्रेस करने की बात नहीं है बंद क्यों नहीं कर सकते एड्रेस करने की बात नहीं है आप अगर एक नेफेरियस एजेंडा से एक मलेशियस एजेंडा से मेरी कॉर्नर मीटिंग में आए हैं टू क्रिएट कंट्रोवर्सी एंड नॉट टू बी एड्रेस्ड तो यू विल नेवर बी एड्रेस्ड ठीक है अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा अकीदा क्या है मैं मुसलमान हूँ अगर आप पूछेंगे कि फिका क्या है तो मेरा खानदान जो है वो अहले सुन्नत है ठीक है हमें यही बताया गया मेरे वालिद साहब सिद्दीकी हैं तो वालदा साहिबा मेरी शामी फैमिली है और दोनों अहले सुन्नत हैं मेरे ननिहाल में अहले सिलसिला हैं जिसको हम अक्सर यहाँ पे बरेली नुमाइनों में भी बेल्ट कहते हैं वो भी हमारे मामलात हैं ठीक है हमारा ख़त्म न्याज वगैरह वो भी सब होता है अब मुझसे अगर पूछा जाए यहाँ तक तो बात ख़त्म है मुझसे पूछा जाए जी आपके आखिरी नबी कौन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से वाले 1400 साल पहले मदीना वाले ठीक है जी यहाँ भी हो गए अच्छा अब चूंकि जो आया है ना वो एड्रेस उन्हें नहीं आया उसके सवाल यहाँ नहीं रुक रहे वो फिर आगे बढ़ के कहता है अच्छा ये ज़रा जो कादियानी ज़रा आते हैं ना इन्होंने गलत कार्ड गला तो कटो ना गाल तो कटो मैं क्यों गाल कटा अच्छा नहीं नहीं लानत भेजो खंजीर बोलो फलाना करो धमाका बोलो मैं कहा भाई क्यों मेरे दीन में जिस नबी का भी आपने मुझसे तारुफ लिया उसकी तो तारीफ में कहीं है नहीं है एब्सोल्युटली कि गालियां दो तजलील करो अगर आप किसी को नहीं समझते तो ठीक है भाई आप नहीं समझते बट आप अगर उसको गाली नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आपके दिल में नरम गोशा है यकीनी तौर पे आप भी वो हैं आप छुपे हुए हैं तो अब मैं उस जगह पे खड़े होके वोट लेने के लिए गाली गलोच में चले जाऊं देखिए हमारे यहाँ दीन के बड़े अहकामात वाज़े हैं मैं अगर एक एमपीए या एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो क्या मेरे दफ्तर को ये सोच के ना आए कि मेरा ताल्लुक एक मखसूस फिके से है या एक मखसूस मजहब से है और यहाँ मेरी तो नहीं सुनी जाएगी तो मेरा गटर उबलता रहे मेरी सड़क टूटी रहे मेरे घर में पानी ना आए मेरी बिजली कटी रहे मेरे बच्चे को पुलिस उठा के ले जाए मेरी दीवारें टूटती रहें मेरे घर में अर्बन फ्लडिंग का पानी खड़ा रहे कोविड के अंदर मुझे कोई राशन ना दे लॉकडाउन के अंदर ये चीज़ें भी अब नए जदीद दौर में पता चल रही हैं मामलात होते हैं ये वो सोचे आप अवामी खिदमत में गए हो और जब आप सियासत कर रहे हैं और दुनियावी काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के अहकाम है अब आप मुझसे लेक्चर दिलवा रही हैं इस्लाम के ऊपर मैं नहीं हूं अरे अल्लाह ताला के अहकाम है मेरी मखलूक से प्यार करो मैं तुमसे प्यार करूंगा बिल्कुल सही ठीक है मैं वो इंसान हूँ कि जो मखलूक के मायने में चिरन पिरन जानवर लेके आता है इंसान तो अशरफुल मखलूकात है मैं तो उसमें कहता हूँ कि भाई के जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं स्ट्रे कैट्स हैं ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बड़ी बात की बड़ी खुशी है, और इसमें मेरी बेगम का बड़ा कमाल है कि उन्होंने भी मुझे मेंटली इस तरफ किया। हमारे घर में मजाक करते हैं कि रोज लंगर लगता है, तो 15-20 बिल्लियां मोहल्ले की हैं और गली के सारे 10-12, और कुछ हमारे नेबर्स अनॉय भी होते थे शुरू में यार कि क्या तुम इकट्ठा कर ले, तो सारे इधर ही घूमते रहते हैं, इधर ही मंडराते रहते हैं, ये ओपन लंगर होता है दिन में 2-3 टाइम। तो उस वजह से फिर ऐसा ऐसा मैंने देखा कि एक दो और लोग थे, मगर मजीद जो बच्चे थे उनकी कफिनिटी फेमिलियरिटी बढ़ने लग गई, उन्होंने भी खाना देना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, किसी ने बुला के रेबीज के वैक्सीनेशन करा दी, किसी ने बुला के जो है वो न्यूट्रल वगैरह करवा दिया, जिम्मेदारी कलेक्टिवली लेने लगी ना, पीपल नो कि यार ये हमारे गली के हैं और मखसूस है और नहीं नजर आता, तो आते जाते पूछते यार वो किधर गायब है, ठीक है, एंड ओवर पीरियड ये हुआ, तो कुछ लोग पहले कर रहे थे, हमने भी हिस्सा डाला, सबने मिलकर ये कम्युनिटी डेवलप कर दी। तो मैं तो क्या कहते हैं यहाँ पे यार, आप इंसानों की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तानी शहरियों की बात कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी मजहब से हैं, किसी भी फिके से हैं, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके बुनियादी इंसानी हकूक हैं कानून और आईन के तहत, और कोई भी MPMNA होगा वो डेफिनेटली ये काम करेगा, तो MPMNA का काम नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप मेरे सामने किसी इंसान को लेके आए और बोलें कि ये ब्लास्फेमस कैंपेन कर रहा है, ठीक है, और जानबूझ के कर रहा है और अनार्की पैदा करने के लिए कर रहा है, तो आप इस हद तक पहले तो इंक्वायरी मांगेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ट्रू और नॉट। हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा इलेक्शंस के लिए होता है ना और वोट्स के लिए होता है, यार वो जो फलाने को मारा उसे ब्लास्फेमी का इल्जाम था, तो वो हम जनाजा पढ़ने जाएं, अफसोस करने जाएं कि ना जाएं। मशाल खान के साथ ये हुआ इस मुल्क में, आज क्यों मशाल खान को आपने हीरो बनाया, आपने स्टेट लेवल पे बाद में मशाल खान को क्यों हीरो बनाया, शुरू में तो कोई जनाजा पढ़ने नहीं जा रहा था, हमारे यहाँ तो होती ही नहीं ना, कोई पूछता ही नहीं। बाद में आपको रिलाइज हुआ, बाद में आपको रिलाइज हुआ कि यार ये गलत हो गया, इसके साथ में गलत किया, बहुत ज्यादा गलत, हमने उसके साथ तो गलत किया, हमने अपने मजहब और अपने अकीदे के साथ कितना गलत किया। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक रेफरेंस है ना, अब खबर फैली दुनिया में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिंच टू डेथ फॉर ब्लास्फेमिंग इस्लामिक प्रॉफिट, एक खबर हमारे तवस्सुत से दुनिया को मिली है हमारे नबी की, तो वो भी रेफरेंस यही आया, वो रेफरेंस ये भी तो आ सकता था ना कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो है फूड ड्राइव की टू सेलिब्रेट द सुन्नत ऑफ आवर प्रॉफिट, ठीक है, या हमने जेल के कैदियों के हकूक के लिए काम किया, या जितनी जेल में औरतें बंद हैं उनकी बेल पेमेंट हमने करके इंश्योर कर दिया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर, इस वक्त जेल में 70% औरतें वो हैं जो अंडर ट्रायल, उनकी कन्विक्शन नहीं है, वो कोई हम ऐसी खबरें क्यों नहीं ग्लोबल लगाते जिसमें जब हमारे नबी का नाम आए तो लोग जाने यार ये कौन है, ये इस्लाम का नबी जाने इसके बारे में, और ठीक है आज आज जो है बम खा खा के लाशें उठा के सही है, और अपने बच्चों को मुस्कुराते चेहरों के साथ चूम के दफन करके इस्लामी जज्बा क्या है, इस्लामी अकीदा क्या है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, ये गोरों को फलस्तीन बता रहे हैं। हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी जमहूरियत होने के बाद G20 में जाने के ख्वाब देखने वाले हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, एक फंक्शनल टूटी फूटी डेमोक्रेसी और कितनी बड़ी मिलिट्री फोर्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद व्हाट सर्विस हैव वी डन कि वी डिजर्व टू कॉल आवरसेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि हमने दुनिया में एक इस्लाम का तारुफ अच्छा दिया हो, बिसाइड द फैक्ट कि एक न्यूक्लियर बम है हमारे पास, तो वी आर दी ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, और अगर उस न्यूक्लियर पावर से भी आप एनर्जी सेक्टर में बड़ा काम कर रहे होते और हर गरीब का घर रोशन हो चुका होता तो मैं तालियां बजाता आपके लिए, उसका भी पता नहीं है कि क्या है या नहीं। तो मजहबी अकायद जो है जी वो अपनी जगह है, पब्लिक सर्विस अपनी जगह है, और मैं अगर अब्दुल सत्तार ईदी के मरने का अफसोस करता हूं, मैं अगर अपनी DP पे उनकी बरसी पे लगा देता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी और मैं कहता हूँ जी ईदीज़म और ईदी की बातें और ईदी की कहानी, तो फिर मैं बहुत बड़ा मुनाफिक हूंगा कि आपके कहने के ऊपर मैं किसी अकीदे को या किसी फिक्के को गालियां देना शुरू कर दूं, मैं बहुत बड़ा मुनाफिक हूंगा। सही बात। अगर ईदी साहब ने यह काम नहीं किया जिसको हम कहते हैं मॉडल सिटीजन कराची का, कराची में एक इंसान जिसको सब लोग उस तरह से देखते हैं कि एक बंदे ने अपनी जिंदगी सर्व की है, तो जना उन्होंने वक्त गुजारा, तो फिर उन्होंने तो कम से कम ये काम नहीं किया ना। नो बट आई मस्ट ऐड हियर कि आपने जो पूरी आपके खिलाफ डेफमेशन कैंपेन हुई थी आपने उसको बहुत ही मैच्योरली डील किया, क्योंकि आई रिमेंबर जिब्रान नासिर वाज अ रेव बैक आई थिंक इन 2018 के इलेक्शंस एकदम, बिकॉज जिस हम रहते हैं वहाँ पे भी, एंड ऑल ऑफ द सडन दिस थिंग स्टार्टेड अगेंस्ट यू एंड एवरीबडी वाज लाइक अरे अब इसको वोट देने दे, एंड आई डिडंट हियर यू सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग इट, यू वर वेरी काम एंड पॉइज्ड एंड यू डेल्ट विद इट वेरी मैच्योरली। एंड देयर इज ऑल्सो वन थिंग आई लाइक टू से हियर कि हम लोग जब पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करते हैं
शहबाज शरीफ की 5 बीवी, इमरान खान की 4 बीवियां, वो यहूदी, ये काफिर, ये कादियानी, हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं कि जिब्रान नासिर काम क्या कर सकता है, शहबाज शरीफ काम क्या कर रहे हैं, जरदारी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अगर वो सुन्नी है मुसलमान है तो वो कर क्या रहा है, अगर इमरान खान यहूदी है तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, यू नो. तो आई थिंक वी शुड पे मोर अटेंशन टू दिस. ये मैं तो ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ माज़ अल्लाह मुझ पर यहाँ तक बुहतान लगाया गया कि जिब्रान नासिर ने रमज़ान के महीने में अबू जहल की याद में बरसी में शमाए रोशन की. ये खबर 2014-15-16 तीनों रमजान लगातार एक मखसूस तबके की तरफ से वायरल की गई. और तीनों बार, मतलब कि मुझ पे बड़े बोहतान लगा चुके एक बतौर मुस्लिम, बतौर समबडी हु बिलीव्स. एक तकलीफ दे बात है कि आपका नाम लेके बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने प्रोग्राम भी किए एक टाइम पे मुझ पे, मुझे गुस्ताख रसूल और शातिम रसूल के अलकाबात से ये दिए गए, जो कि एक तरीके से गाली है ना एक मुसलमान के लिए. इफ यू आर ऑफ एनी फेथ एंड यू आर बीइंग टोल्ड कि नहीं, तो आपके लिए तो एक तरीके से आप ऑफेंड ही हो गए. सही है. तो इट इज ट्रैजिक, बट मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का था यार कि इन चीजों के अंदर ही हमारी आवाम को आपने रखा हुआ है. और वक्त के साथ साथ साबित हो गया कि जिसको आप अमरीकी साजिश कहते थे, जिसको आप एस की डार्लिंग कहते थे, जिसको आप यहूदी एजेंट कहते थे, जिसको आप फलाना कहते थे, जिसको आप धमाका कहते थे, जिस तरह मुझे आपने कादियानी का, ये सब इल्ज़ाम थे, ये सब बोहतान थे, ये सब झूठ था. मैं तो इस, ये भी मुझे शर्फ हासिल हुआ है, मेरी पहली गिरफ्तारी हुई है गालिबन 2015 में. 2015 में मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ हूँ तो CM हाउस के सामने से मुजाहरा हो रहा था कलदम जमातों को पुलिस प्रोटोकॉल क्यों देती है. तो उसमें से एक जमात जो है वो सिपा साहबा भी है, अब उस मुजाहरे में था, हमें गिरफ्तार कर लिया गया CM हाउस के सामने से, हम चले गए फ्रेर थाने. अब वो एक ख़बर बनानी थी कि दिस वॉज नॉट ए सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट, दिस वॉज ए ईरान फंडेड प्रोटेस्ट. तो एक शक्ल देनी थी, एक व्यू देना था कि तमाम सब ना एक ही फिके के हैं. मेरे शनाख्ती कार्ड पर तो मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है वालिद का ना, जिब्रान नासिर वल्द नासिर अजहर सिद्दीकी. मेरी खबर जो प्रेस रिलीज पुलिस ने निकाली उसमें मेरा नाम लिखा गया मोहम्मद जिब्रान नासिर रिजवी. ये रिकॉर्ड की बात है. ठीक है, तो मैंने कहा कम से कम मैं इतना तो कामयाब हुआ कि सिद्दीकी और रिजवी एक पे ऊपर आ गए. तो मेरा तो हो गया इत्तेहाद मुस्लिमीन, मेरे अंदर ही समा गया. अच्छा जिब्रान, मैं यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आवाम तो करती है रिलीजियस डिविजंस, ये आपको लगता है पॉलिटिशियंस मजहब को यूज करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के, आपको लगता है, ओके लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, आपको लगता है इमरान खान ने यूज किया है अच्छे ज्यादा इस्लामिक सेंटीमेंट, यू थिंक सो? यार आप इनकी बात कर रहे हैं, खान साहब तो खुद अपने आप को तस्लीम करते हैं और पार्टी भी तस्लीम करती है कि दे आर राइट ऑफ सेंटर. ठीक है, वो रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके से हर रिलीजियस केटर को अपीज करने की बात करते हैं, वो मदरसा की फंडिंग हो, उसकी पॉलिसी जो भी हो, बट यू आर टेक्निकली रीचिंग आउट टू देम. अकोड़ा खटक के अंदर जो हकानी साहब का मदरसा था, या फैजाबाद धरने के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना हो कि जी मेरी पार्टी से बड़ा इसरार है कि धरना ज्वाइन कर लिया जाए फैजाबाद का, TLP का, मगर मैं कह रहा हूँ नहीं, ये मेरा हाथ रुका हुआ है. तो ये जब आप करते तो आपकी पेंडरिंग है. फिर ऑफकोर्स मैं इनको ये तो नहीं कहता कि जी आप मदीना की रियासत की बात क्यों कर रहे थे, बिकॉज अगर आप इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हैं और अगर आप एक मॉडल स्टेट का हवाला देना चाहते हैं कि जहाँ पे रूल्स और मसावात और ये मामला होंगे, तो ठीक है, एज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सर मदीना की रियासत की बात आप करें कि दिस इज व्हाट वी गोना गो थ्रू एंड दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंट द सिस्टम वुड बी, आप बना पाए कि ना बना पाए, एग्जांपल देने, बट आप अलग अलग सेंटिमेंट्स को अलग अलग टाइम पे डेफिनेटली पैंडर करते रहे. बट आप, मैं कह रहा ना, आप इनकी क्या बात करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. गालिबन 2021 की बात है, ये शायद नवंबर का ही महीना था, लाहौर के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ. ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने उसको ट्वीट करके ना बढ़ा के, देखें हम हारे इलेक्शन बट हमारा वोट काउंट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, कितना बढ़ गया, हम पंजाब में पॉपुलर वेव राइड कर रहे हैं. उस इलेक्शन का पसे मंजर ये था, जो के बाद शहला रजा साहिबा ने तस्लीम की कि जी सलमान तासीर की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुमताज कादरी की पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान से इत्तेहाद किया है. तो ये जो सारा वोट बैंक पड़ा पीपल्स पार्टी को, ये TLP का पड़ा, और उसके लिए भुट्टो साहब की पोस्टर्स जिसपे अक्सर लिखा होता है रोटी कपड़ा और मकान, वो रोटी कपड़ा मकान हटा के लिखा गया मुजाहिद खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, जो कि ठीक है, वो भी एक टाइटल है, वो क्लेम करते हैं, बट आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं, बट मखसूस सियासत के लिए आपने एक मखसूस तबके को जो इत्तेहाद किया था आपने वहां पे, उसका वोट क्लियर करने के लिए आपने वो प्लेसमेंट की अपनी. ठीक है,
तो ये सारा लड़ाई फिर फड्डा किस बात का था अगर आखिर में मुमताज कादरी और सलमान तासीर की पार्टी ने सिर्फ एक सीट के ऊपर, या तो आप कहते हैं ना जी हमारा एक ग्रैंड कंसेंसस हो गया है, हमने में माशरे में को एग्जिस्ट करने के लिए एक कॉमन एजेंडा डिसाइड कर लिया है, वहाँ से खादिम रिजवी साहब या साद रिजवी साहब अब हैं, खादिम साहब का इंतकाल हो गया अल्लाह गरी की रहमत करे, और अपना ये जो अपने हैं क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, ठीक है, सलमान तासीर साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, वो उनको मौजूद मानते हैं, ये इनको मौजूद मानते हैं, ठीक है जी, ये दोनों बैठे हैं आपस में, या तो आपने ग्रैंड डायलॉग करके बता दिया कि जी अब अगर ऐसे कोई मामला होंगे जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके आप हैं तो मॉब लिंचिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, थानों का हिसार नहीं होगा, ठीक है, जिस को गिरफ्तार कर लिया उसको थाने से निकल के मार के जलाएंगे नहीं, ठीक है, आप लोग जाके जगह जगह ये इमारत तोड़ो, ये फलाने की इबादत गाह है, वो मीनार तोड़ो, ये फलाने की इबादत गाह, आप कंप्लेंट्स लेके आएंगे, पुलिस अपना एक्शन करेगी, कानून के तहत देखा जाएगा कहाँ पे क्या करना है कहाँ पे नहीं करना, या तो आपका एक कंसेंसस हो गया होता, आप फिर जाके अलायंस करते सेलिब्रेट करने के लिए कि देखें डायलॉग कामयाब हो गया, आप तो उस वक्त सिर्फ सीट के लिए और करने के लिए तो आइडियोलॉजी से खाली है ना फिर। व्हाट इज योर मंशूर फॉर दिस इलेक्शन 2024? और जो बाय द वे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि यू हैव मोस्टली यूथ जो आपको सपोर्ट करती है, एक हमारा तबका बहुत कम साल रह गए मेरे पास, अगले पांच साल बाद जो इलेक्शन होगा ना वो बाल बाल ऐसे हो जाएंगे कि अब कहेंगे अब ये यूथ तो रहा नहीं है, मगर मैं बोलूँ कि आपको मतलब ज्यादा यंग लोग सपोर्ट करते हैं तो उस, और इस दफा यूथ बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं उनको इलेक्शन बॉयकॉट करने हैं, उनको इलेक्शन से भरोसा उठ गया, उन्होंने बोला है कि भाई सब क्योंकि नवाज शरीफ का ऐसा लाना वापस, उसको सब केस माफ करवाना, एकदम से मरियम नवाज वापस आ गई, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग, इतना कोई स्टूपिड है नहीं, तो लोग बोल रहे हैं और फिर सिंबल छीन लेना पीटीआई से, पीपल डोंट वॉन्ट टू वोट, पीपल आर डिसअपॉइंटेड, तो उसमें व्हाट डू यू हैव टू ऑफर दैट यू कैन गेट पीपल टू कम एंड वोट फॉर यू, एंड विल यू बी एबल टू लिव अप टू योर प्रॉमिसेस? ये सब तो वादे तो बहुत करते हैं, इमरान खान ने भी कितने किए थे, वो अलग बात है करने दिए नहीं गए, हो नहीं सके, काम करने भी नहीं दिया जाता ये, क्योंकि जो भी मुझे लगता है ट्रैक पे जाने लगता है उसको हटा दिया जाता है, तो ये कैसे फाइट करेंगे? व्हाट इज इन योर माइंड दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू ऑफर द पीपल व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? देखिए बतौर मेंबर पार्लियामेंट दो चीजें हैं, एक है बेदारी शऊर, आप पॉलिसी मेकिंग जो लेजिस्लेशन मेकिंग कर रहे हैं, चूँकि उसके लिए आपको हल्के में तो जाके इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पे एक ड्राफ्ट रखते हैं, बिल वगैरह करते हैं, और दूसरी जिम्मेदारी है खिदमत, फिज़िकल खिदमत, एक्चुअल खिदमत, सर्विस डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, तो बेदारी और शऊर तो ऑफकोर्स आप पार्लियामान में हैं, आप पॉलिसी को देखते हुए अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं मेरी तरह तो अपोजिशन की बात समझ में आ रही है या मेजॉरिटी पार्टी ट्रेजरी बेंचेस की आ रही है, आप मैन्यूवर कर सकते हैं, मैं एब्सोल्यूट्स गुड और एब्सोल्यूट्स बैड में बिलीव नहीं करता, बहुत सारे प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी के बहुत माकूल प्रोग्राम है, बेहतर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान मंशूर में पीटीआई के शामिल हैं, कुछ इंसाफ सेहत कार्ड के तहत उन्होंने शुरू भी किया था, बेहतर इंप्लीमेंट हो सकते थे, अगेन लूपहोल्स थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस हम इस तरफ हैं तो इस तरफ हैं, उसका अच्छा काम भी हम बुराई कहेंगे, दैट कैन नॉट बी इट। जहाँ तक खिदमत की बात है, सर्विस डिलीवरी की बात है, तो मतलब शुरू में आपसे बात कर रहा था कि मेरा ख्वाब है and I would like to people to dream with me on this. मैं मॉडल पाकिस्तान तो नहीं बनाने जा रहा, नया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, चूँकि मुल्क गिर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरा ख्वाब छोटा सा और मेरे ख्याल में थोड़ा प्रैक्टिकल भी है आज के दौर में, वो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना, मेरा जो मंशूर है, मेरा जो दावा है और मेरा जो वादा है वो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैंने ये बात और ये इजहार 2018 के इलेक्शन में भी किया था, हम इस वक्त जीत से हमकनार नहीं हुए, हमारा अभी वो मौक़ है, और अब बढ़ती हुई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हमें हम अपनी मंजिल के करीब ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है हल्के की आवाम को आपसे जोड़ना। आज खाना मंगाने के लिए फूड पांडा है, बाइक पे जाना है तो बाइक या है, गाड़ी पे जाना है तो इन ड्राइव है, कुछ ख़रीदना है तो दराज है, कुछ बेचना है तो OLX है, बसाना है घर तो दिल का रिश्ता है, और रहना है घर में तो ज़मीन है। इतनी सारी मैंने ब्रांडिंग कर ली, बुरा ना मानिए, ठीक है, बट बात समझना ज़रूरी है। बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने, सब चीज़ों के लिए मोबाइल का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, तमाम तर चीज़ के लिए ज़िंदगी के अंदर ऐप है, सियासत की ऐप कहाँ है? हम डिजिटल दौर में प्रिंटिंग प्रेस के दौर की सियासत क्यों कर रहे हैं, जब तमाम तर चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो क्यों एक मोबाइल ऐप के ज़रिए मेरे हलके के 3,15,000 रजिस्टर्ड वोटर और आगे उनकी औलादें, जो बेशक अभी तक 18 की नहीं हुई बट फ़ोन तक रसाई है, एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने MPA से क्यों नहीं जुड़ी हुई? क्यों उनको ज़रूरत है कि MPA का दफ्तर कहाँ पे है?
ये MPA मिलता कहाँ पे है, इसका फ़ोन नंबर कहाँ पे है, और अगर वहाँ पहुँच जाओ तो अभी हैं साहब के नहीं हैं, लाइन में क्यों खड़ा होना है, रात को 3 बजे अगर मेरी तकलीफ़ है तो मैं 3 बजे देर एंड देन चुटकी बजा के क्यों नहीं उसे कम्युनिकेट कर सकती या कर सकता। अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, खासतौर में लोअर इनकम बैकग्राउंड में हूँ, मेरे पास कोई ड्राइवर कोई खानसामा भी नहीं है, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, तो मैं क्यों अपने घर वाले के आने का इंतज़ार करूँ कि वो 12 घंटे की या 15 घंटे की डेड नौकरी करके आएगा तो फिर मैं घर के बाहर जो मसला खड़ा हुआ है इसकी बात करूँगी, या कोई घर वाला आएगा, कोई मर्द आएगा तो CBC जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, या KMC जाएगा, चूँकि मेरे हल्के में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड भी है, मेरे हल्के में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी है। तो ये तमाम तर मसाइल, एक सिंपल सी ऐप जिसके अंदर आप जैसे फूडपांडा में, एंड्राइव में, कहीं भी किसी भी ऐप में अपना डेटा डालते हैं, आप अपना डेटा डालें, आपकी लोकेशन पिन भी आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल भी आ जाएगी, आप रजिस्टर भी हो जाएंगे, आप मेरे हलके में कारोबार करते हैं, आप मेरे हलके में दुकान चलाते हैं, या आप मेरे हलके के रिहायशी हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप डाल देंगे, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आप वीडियो बना सकते हैं, या आप मोबाइल को माइक बना सकते हैं, या आप तस्वीर खींच सकते हैं, उसके ज़रिए आपने भेजी तो पाकिस्तान में पहली बार किसी MPA के ऑफिस से आपको डिजिटल पर्ची आ जाएगी कि इतने बजे ये टाइम स्टैम्प के साथ आपकी कंप्लेन आई और ये आपका डिजिटल कंप्लेन नंबर है, और फिर हमारा काउंटर शुरू होगा 48 से 72 घंटे का टू कम बैक टू यू विद एक्शन ऑन इट। या तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा, या उस कंप्लेन को प्रॉपर, एक तस्वीर आपने मुझे भेजी ना, आप उस तस्वीर का पूरा पसे मंजर लिख के एक्चुअल लॉज कोट करके, रूल्स कोट करके, महकमे में जाके जमा कराना और उसको परसू करना। ऑल आई नीड इज कि जी डेटा एंट्री टीम है, डेटा प्रोसेसिंग टीम है, और जाके डिलीवरी टीम है। वकील होने का मुझे क्या फायदा, ये है दैट आई गेट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग लॉयर्स, अ लॉट ऑफ यंग इंटर्न्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स, हु आर गियर्ड अप फॉर दिस, जिनकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, और हमारे ऑफकोर्स दफ्तर के अंदर बाकी एसोसिएट्स भी हैं। तो दिस इज वॉट वी ऑलरेडी नो। आपको वो MPA चाहिए जो सिर्फ तब जब महीने में 4 दिन 5 दिन या 2 महीने में 10 दिन पार्लियामेंट सेशन में हो तो आपका मुकदमा लड़े, या आपको एक ऐसा MPA चाहिए जो वो अपनी टीम के साथ डेली हर महकमे के साथ आपका मुकदमा लड़ रहा हो, चाहे वो बलता हुआ गटर हो, चाहे वो टूटा हुआ गटर हो, चाहे वो टूटी हुई सड़क हो, चाहे वो गैस का ना आना हो, चाहे वो पानी के खंभे का टेढ़ा हो जाना हो, चाहे वो थाने से कोई मसला हो, या चाहे आपके घर का कोई अंदरूनी मसला डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में हो कि आप मोहल्ले को इकट्ठा करके बतौर औरत नहीं बता सकती बट आपको लीगल हेल्प चाहिए, चाइल्ड अब्यूज का इशू हो, पड़ोसी के अंदर कोई चाइल्ड लेबर अब्यूज कर रहा है, आपको चिल्लाने की आवाज आती है, कोई एनिमल अब्यूज कर रहा है, आपको चिल्लाने की आवाज आती है, मारने की आवाज आती है, और आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमारे यहाँ बहुत एक बड़े मसले हैं, खुला डुला माहौल है कॉलोनीज के अंदर, डिफेंस के लोग तो कम एक दूसरे के नाम भी जानते हैं, खासतौर पर जो नए फेसेस बने हैं, तो निकल के ये भी होता है कि आई डोंट वॉन्ट टू कम इन द फ्रंट, मैं कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहती, करना चाहता बट मैं चाहती हूँ कि मेरी आसानी हो जाए, कुछ सुन लेना मेरी बात। एक सब मोबाइल ऐप के जरिए अवेलेबल है, हमने इसका बजट भी पूरा कर लिया, प्लान भी कर लिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगी, एंड इट इज एक जलसे में खाना वाना बांटने का, केटरिंग करने का, फैंसी सिस्टम बैनर लगाने का, झंडे लगाने का, खंभों पे जो खर्चा है ना, लिटरली उसके बहुत कम पैसों के अंदर ये एक ऐप बन जाएगी और ये चल जाएगी। एंड यू प्रॉमिस टू डिलीवर दिस टू द पीपल? आई प्रॉमिस टू लॉन्च इट आफ्टर विनिंग विद इन ए डिक्लेयर्ड पीरियड ऑफ टाइम, और इसका बेटा वेब वर्जन तो हम 1 महीने के अंदर लाइव कर देंगे और फिर इसको ऐप के अंदर शिफ्ट कर देंगे। बट देयर इज अ कॉस्ट, बट इट्स नॉट अ मैसिव कॉस्ट। इसकी डिजाइनिंग लेआउट हमने सब किया है, जो कि हम इस कैंपेन में लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि दिस इज हाउ इट विल ऑपरेट। और देखिए ये मैं सुनने वालों को बता दूं, मेरी पहली कॉर्नर मीटिंग हो चुकी है शाह रसूल कॉलोनी के अंदर एक चर्च में, जहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो बेसिक आपका है ना, सबसे तबका, लोएस्ट तबका, वो मौजूद था, और मैं उनसे बात कर रहा था, और 12-15-16 साल की बच्चियां, जिमरान भाई प्ले स्टोर पे ऐप कौन सी है, बिकॉज टिकटॉक, इंस्टा रील्स, यूट्यूब सबको आता है, जो नौजवान मुकम्मल जुमला नहीं बोल पाता वो टिकटॉक स्टार है। ये समझिए इस कैफियत को। किताबों की लिटरेसी, अरे डिजिटल लिटरेसी का फायदा उठाओ, बिल्कुल लोग अपनी अपना डिजिटल स्टैंप हर जगह हर तरीके से छोड़ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये एक ऐप है मेरे मोहल्ले के अंदर, जो मेरा पहला PS 111 था उसमें 13 कॉलोनीज थी और डिफेंस के 7 फेज थे और क्लिफ्टन के 2 ब्लॉक थे। अब ये 110 जो बड़ा हो गया है 111 से, इसमें क्लिफ्टन के सारे ब्लॉक्स आ गए हैं, श्री जिना कॉलोनी, जनरलाबाद आ गया, गुलशरी सिकंदराबाद आ गया, हिजरत कॉलोनी आ गई, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, पुराने इलाके बता रहा हूँ, मदनियाबाद, गबोल विलेज, अपर गिजरी, लोअर गिजरी, हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, पाक जमहूरिया कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी, ये तमाम इदारे हैं। इसमें आपको बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन मिलेगी, बहुत सरायकी मसले भी ज्यादा हैं, बहुत सरायकी वसीब से हमारे यहाँ माइग्रेंट्स रहते हैं, बलोच पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं, पश्तून, पुराने बलोच तो कदीम ही रह रहे हैं, चूंकि ये एक टाइम पे एक जमाना एरिया हुई था,
सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन मिलेगी, उर्दू स्पीकिंग मिलेगी, मल्टी पी एन टी कॉलोनी, ठीक है, ये तमाम इसमें इलाके हैं। मुझे अगर बतौर एम पी ए, मुझे अगर क्या, मुझे पता होना चाहिए यार कि मेरे हलके में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स कहाँ हैं। अगर लोग मुझसे इस ऐप में जुड़े हैं, और से कि हमें इस ऐप से जुड़ने पे लोगों को लाने में पीरियड लगता है 6 से 8 महीने, चूंकि वो लोगों का इंटरेस्ट ही है ना, फोन तो है ही, फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, आई कैन रन अ सर्वे कि जी आप क्या डायबिटीज़ के मर्ज में मुबतला हैं। तो जो लोग आ खान जाते हैं या साउथ सिटी जाते हैं वो तो शायद बताना गवारा नहीं करेंगे, बट जिन लोगों को मुश्किलात पेश हैं वो बताएंगे। मुझे हॉटस्पॉट मिलेगा ना कि मेरे इलाके के हलके के किस कॉलोनी की किन गलियों के अंदर इस एज ब्रैकेट के अंदर ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वहाँ का नज़दीक तरीन जो बेसिक हेल्थ का निज़ाम हुकूमत का है वो कितना फाल है, या चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारा वेलफेयर सोशल वेलफेयर चैरिटी के जरिए होता है, मुझे इंटरवेंशन कहाँ करानी है। और 3,15,000 के हलके के अंदर 4 यूरोप के शहर आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे पेनिट्रेशन का करानी है, मेरे यहाँ पे किस गली के अंदर पेनिट्रेशन वाइज आपका मंथली इनकम क्या है, और आपको महाना तनख्वाह बंदी हुई है, आप डेली वेज अर्नर हो, दिहाड़ीदार हो, तो यार इस गली में दिहाड़ीदार हैं और फिर भी बेचारे इतना कमा पाते हैं, तो अगर किसी फूड बैंक से बात करके मुझे एक कॉन्स्टेंट स्टेशन बनाना है वहां पे, तो कहाँ बनाना है। मुझे सिर्फ रिसोर्सेज हुकूमत से थोड़ी लेने हैं, मुझे सिर्फ हुकूमत से थोड़ी बजट अप्रूव करवाना है। अगर मेरे माशरे के अंदर सोशल वेलफेयर के नाम पे बहुत सारा काम हो रहा है, अगर मेरे माशरे में वॉलंटियरिज्म के नाम पे बड़ा काम हो रहा है, द पॉइंट इज के वो इफेक्टिव, जिसका टर्नओवर ज्यादा हो। मैं अपने हलके में ऐप के जरिए पूछूं कि कितने तुम हो नौजवान जो कर चुके हो इंटर, कितने हो जो कर चुके हो अपना बैचलर्स, कितने हो जो कर चुके हो अपना मास्टर्स, और बताओ तुम में से कौन कौन बेरोजगार है, तो मुझे पता होगा यार ये वो प्रोफाइलें हैं जो आ गई हैं, ये वो लड़के हैं। तो मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी का छोटा सा जॉब फेयर, यूथ फेयर नहीं कर सकता नोइंग एग्जैक्टली कि वो कहां बैठे हुए हैं। भाई मॉडल कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल एक टाइम स्टैम्प को लेके एक रसाई दे रहे हैं, एक एक्सेस दे रहे हैं, एक टू वे ट्रैफिक दे रहे हैं। मुझे बताइए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ये चीज डिलीवरी करने का ख्वाब भी देखे, और देखने के बाद अगर देख लिया तो बता दे आवाम में आके कि मैं ये ओनरशिप लेने को तैयार हूँ। क्योंकि देखिए आपका बड़ा इजी होगा यार, 6 महीने गुजरेंगे, ऐप लाइव होगी, आप ऐप के डैशबोर्ड पे जाकर जो भी आपको एक्सेस पब्लिकली होगी उसमें हम दे देंगे कि जी ये हमारा रिकॉर्ड है कंप्लेंट रिसीव का और कंप्लेंट रिजॉल्व का। 6 महीने बुला के आपको इलाके में जाके नहीं पूछना जबरान नासिर अच्छा एम पी ए कि नहीं है, मेरी वेबसाइट पर जाओ, जबरान साहब 12,000 कंप्लेने आई हैं, आपने उसे व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्ड किया, या आप कह सकती हैं 12,000 कंप्लेने आई हैं, 8,000 को आपने रिजॉल्व किया है, नॉट बैड। या तो आप कह सकती हैं यार पथेडे यू आर अनदर फसाड। तो मैं तो एविडेंस आपके हाथ में देने की बात कर रहा हूँ, मैं सर्विस डिलीवरी के मॉडल को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूं, मेरा ख्वाब होगा कि भाई अगर मैं ना जीत पाया कोई और जीते तो करे ना इंप्लीमेंट पाकिस्तान में, ये यू विल टेक पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली इनटू द डिजिटल एज जो आके आपको लेके जाना है। ये मॉडल अगर एक कंस्टिट्यूएंसी पे चलता है तो कोई बड़ी पार्टी आगे रेप्लीकेट करे, बिल्कुल करे, पूरे पाकिस्तान को डेमोक्रेटिकली आगे लेके जाए। मैं तो एक मॉडल कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, मुझे अक्सर लोग पूछ रहे हैं यार कि तुम्हारी बातें बहुत एनए के लेवल की हैं, कोई काम तुम्हारा है, तुम एमपीए पे क्यों जा रहे हो। चूंकि मैंने अभी बात की ना, सिर्फ शऊर और बेदारी नहीं, खिदमत भी एक ख्वाब है मेरा, सर्विस डिलीवरी का एक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना भी ख्वाब है मेरा। देखिए मैं अगर अपने हलके में बारिश होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, और खैमाने बुखारी का इतना बड़ा कमर्शियल एरिया खैमाने निशात का डूब जाता है 10 दिन, और मैं वहां पे खड़ा हुआ इतने इतने पानी में, जब मेरा एमपी एमएनए नजर नहीं आ रहा, उनका तो आदू को नाम भी याद नहीं होगा, वो इलेक्शन में भी नहीं है, मैं तो फिर तीसरा इलेक्शन इस हल्के से लड़ रहा हूँ, कोई ऐसा उम्मीदवार बैलेट पेपर पर नहीं है जो इस हल्के से तीसरा इलेक्शन लड़ रहा है मुस्तकिल, कोई और नहीं है। वैसे लोग कहे जी आप आते हैं नजर नहीं आते, यार आई हैव बीन कांस्टेंट हियर, मैं हम 10 दिन यहाँ पे खड़े रहे, हमने खुद कैंपेन चलाई, सीबीसी कहीं नहीं था, हमने सीबीसी को शर्मिंदा और मजबूर कर दिया, 100 टैंकर लाके खड़े किए, 10 दिन तक पानी निकाल के बाल्टियों में मोटरों में टैंकरों में भर के समंदर में आके फेंका। मेरा हल्का नहीं था, बट आई वॉज, मेरा हल्के से मुराद कि मैं एमपीए नहीं था, बट आई वॉज डूइंग दैट टू शो सीबीसी एंड दी एमपीए कि ये हो सकता है, क्यों नहीं किया। 2018 का इलेक्शन आ रहा, मैंने अपनी 2018 के इलेक्शन में कहा था यार कि मैं कुछ ऐसे काम तो करूंगा जो कि मैं ना भी बनाना एम पी ए तो करके दे सकता हूँ। पहली चीज़ मुझे ख्याल आया कि यार सबसे आसान चीज़ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज फ्लडिंग में तो यू आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर टू हैपन, व्हाट टू डू एल्सवाइज। मैंने लोगों के फुटबॉल प्रोग्राम्स का कहा था, तो आई ऑर्गेनाइज विच रिमेन्स इन द हिस्ट्री ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो इन कराची द बिगेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि क्लब लेवल के ऊपर खेला गया जमजमा के ऊपर गिजरी का जो ग्राउंड है, पूरे कराची साउथ से 32 टीमों ने शिरकत की और उसको लेके हम टूर्नामेंट को लेके चले, और एंड में हजारों की तादाद में 8 से 10,000 बंदा, देयर वाज नॉट इनफ स्पेस टू कीप फुट ऑन द ग्राउंड, वो सारा फुटेज वगैरह है,
कुछ चीजें पाकिस्तान में वायरल जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं। अभी हम कैंपेन में लोगों की यादें ताजा करेंगे कि हम क्या करते रहे। हमने ये जो ऐप है ना, ये मुझे कहीं ना वही तो कहीं से नहीं आती भाई, हमको वो तो है नहीं। हुआ क्या कि कोविड के अंदर कराची रिलीफ ट्रस्ट एक इदारा है, उन्होंने एक ऐप बनाई, उसको बाद में हुकूमत ने इंटरेस्ट दिखाया तो उन्होंने उसको सिंध रिलीफ कर दिया। और उन्होंने कहा यार एनजीओ जो काम करना चाहती हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस ऐप के जरिए काम करें। हमने कहा जी ऐप कैसे काम करती है? वो कहते हैं जी जब आप किसी घर पर जाके डिलीवर करेंगे ना तो वहाँ पर लिखें ऐप में कि ये बंदे का नाम है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मोबाइल नंबर जो भी है, और ये जियो टैग लोकेशन है, यानी कि ये दरवाज़ा है ना घर का, तो यहाँ पर आपने जियो टैग डाल दिया कि इस लोकेशन पर इसको राशन मिला। चूँकि कोविड में लाइनें नहीं लगानी थी, लोगों को ग्राउंड में नहीं इकट्ठा करना था, घर घर जाके देना था। हमने कहा तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वाई नॉट? पहला टाइम तो पहला चक्कर तो खुआरी है। मुझे नजर आ रहा था ये कोविड का लॉकडाउन महीना, दो महीना, डेढ़ महीना हो सकता है, रिपीट साइकिल होगा, दो हफ्ते बाद राशन खत्म होगा। हाउ डू यू इंश्योर दैट यू रीच द सेम पीपल? तो पहले शुरू के अंदर जो थोड़े एक्टिव लोग होते हैं हल्के में, उनसे हमने डेटा गैदर करवाया कि फोन कॉल करके आपस में डेटा गैदर करो कि कौन सा बंदा किस गली में रहता है और किधर किधर रहता है और उसकी जरूरत क्या है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या, सारी चीजें क्या है। जो सारा डेटा गैदर हो गया, हमने फिर अपने 13 मोहल्लों के अंदर कोविड में 5,500 खानदान कवर किए दो सर्कल्स में। हम जाते थे और हमारी होती थी राइडर्स की टीम, जो कि उस वक्त ये फूड पांडा बाइक वगैरह नहीं काम कर रहे थे कोविड के लॉकडाउन की वजह से। हमने एक बाइकर्स की टीम ली, उनका सारा जो गियर शेयर पहना हुआ है वो, और उस इलाके से हर बाइकर के साथ 10 बाइक वालों के साथ एक लोकल लड़का बैठता था जिसको गलियों का पता होता था। तो रात के 11 बजे वहां पहुंचते थे, फोन करते थे कि भाई आप यहाँ पे, वो कहता था फलानी चुरंगी, फलाना खंबा, फलाना स्टोर, फलानी गली। तो जो पीछे बैठा होता था ना मकामी, वो कहता था भाई बाइक वाले को भाई इधर मोड़ो, इधर मोड़ो। और लिटरली डोर स्टेप पे जाके हमने दिए, सो मच सो कि कराची रिलीफ ट्रस्ट ने ये खुद एडमिट किया कि ऑफ ऑल द एनजीओज हु वर्क्ड इन पाकिस्तान, ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क्ड इन कराची, वी हैड द बेस्ट डिप्लॉयमेंट। हमारे किसी कॉलोनी में जाके ये नहीं था कि क्लस्टर था कि अरे तो इन लोगों ने तो जाके सबको एक ही प्लॉट में कवर करके वहीं पे जियो टैगिंग कर दी, कोविड का पर्पस फेल हो गया। हम अगर ये पूरी कॉलोनी है ना तो पूरी कॉलोनी में आपको रोड वाइज, गली वाइज, सब जगह रेड स्पॉट्स मिले कि हमने वाकई घर घर जाके डिलीवरी की। तो जब ये सेकेंड टाइम हमें करना पड़ा तो सेकेंड टाइम तो हमें उस गली के राइडर की जरूरत भी ना पड़ी ना मुकामे की, क्योंकि लोकेशन थी, फोन नंबर भी था, रब्ता भी कर लिया था, वाकफियत भी हो गई थी। I just realized that worth, और मैंने कहा हम किस एज में रह रहे हैं भाई। The second time it became so easy उन 5,000 खानदान को कवर करना इन तमाम कॉलोनीज के अंदर। तो मैंने एक फैसिलिटेशन सेंटर और एक डिजिटल कंप्लेंट सेंटर की बात 2018 के इलेक्शन में की थी, बट टू टर्न इट इनटू सच अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐप व्हिच कैन प्रोवाइड यू टू स्ट्रीम वे डेटा, ये ऑफ कोर्स उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आया और फिर इसमें हमने थोड़ी वर्किंग शुरू की। एंड ओके, सो जिब्रान, यू आर, यू हैव बीन डूइंग, यू, दिस इज द थर्ड इलेक्शन यू आर फाइटिंग, राइट? कंटेस्टिंग। सो ओके, आई एम सीइंग जिब्रान नासे 10 इयर्स फ्रॉम नाउ प्रोबब्ली रनिंग सम एनएसीएच समथिंग, तो विल जिब्रान नासे बी द सेम पर्सन? विल ही बी, और विल ही बी रोमिंग अराउंड विद 10 कार्स ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड दिस एंड दैट एंड जिस उम्र में शौक होता है ना गाड़ियों का, प्रोटोकॉल का और बैजा बैजा का, वो उम्र से तो मैं निकलता जा रहा हूँ। नहीं, जरदारी की उम्र अभी है नहीं, प्रोटोकॉल की वो गुजार रहा है, इमरान खान भी नहीं है, मगर इट कम्स ना, वो इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी प्रोटोकॉल नहीं है। अब मैंने अभी रिपोर्ट देखी, वो उम्र होती है 26, 27, 28 की, ठीक है, अब हम 35 में अगले इलेक्शन। आपने 2023 की प्रोटोकॉल की रिपोर्ट पढ़ी होगी की कितने करोड़ उस पर खर्च हुए, 200 समथिंग पता नहीं, और हमारे मुल्क में पता नहीं कितने, वो तो हमारी आधी पुलिस फोर्स जो है, 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि 3 साल पहले 7,000 के करीब पुलिस वाले सिर्फ प्रोटोकॉल के ऊपर, वीआईपीस के ऊपर तैनात थे। वो वो चीजें हैं, अनफॉर्चुनेट हैं। उस वक्त खैर सिक्योरिटी क्राइसिस था, वो खत्म हो गया, तब भी प्रोटोकॉल चलते रहे। बट देखिए यार, अगर यही ख्वाब है तो मैं 10 साल क्यों जाया किया, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैंने इतनी प्रोफाइल बना ली कि बहुत सारी पार्टीज में जहां आपको टिकट होल्डर्स है बिल्कुल ही अननोन नेम और एंटिटीज नजर आएंगी, कौन है ये, पतंग पता है आपको, तीर पता है आपको, शेर पता है आपको, बट ये कौन है? इवन जो बल्ले वाले हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं ये कौन है, नहीं सुने हुए उनके नाम। उनके तो खैर और वजूहत से कि उनकी लीडरशिप भी आ गया, तितर पितर हुई। तो इतनी तो मैंने मेरे ख्याल में सही बना ली थी यार कि इफ़ आई वांटेड अ टिकट, इफ आई वांटेड टू ज्वाइन, तो गले में एक आपने झंडा ही डालना होता है ना, जिसको वो पट्टा कहते हैं, बट वो एक तस्दीक है। आपने एक पार्टी का झंडा पहना है, पार्टी के कलर्स आपने पहने हैं, और आपने ये कहना ना अब चलो इसके साथ और अब चलो उसके साथ, यही है ना। और फलाने से मैं मिला और उनके पाकिस्तान को ख्वाब देख के मैं बड़ा मुतासर हुआ और मुझे लगा कि यही है मेरा लीडर और यही है वो प्लेटफॉर्म, कुछ भी कह लें, कौन पूछ रहा है। और आप उस ग्रेट गेम के अंदर जहाँ उन्होंने सेटिंग कर दी, आपकी सीट भी निकल आएगी,
मतलब कि ये जो अभी इंटरिम हुकूमत थी इसमें कोई मिनिस्टर बनना बड़ी बात है, कोई मुश्किल बात है नहीं, तो ये पर्पस नहीं है ना। मुझे तो इस बात का बड़ा मजा आता है कि ना मैं कभी एमपी बना ना एमएनए बना, बट मेरी बात इतना हिला देती है कि मेरी बात बंद करने की जरूरत पड़ जाती है, मेरी आवाज बंद करने की जरूरत पड़ जाती है। और मैं गाली भी नहीं देता, मैं ओए ओए भी नहीं करता, मैं सादी आवाज में खुली बात करता हूं। और सबसे ज्यादा चोट वो पहुंचाती है, और अपने नौजवानों को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूं, ये ट्रोलिंग श्रोलिंग ना करें। आप खुली सादी सच बोलेंगे ना, उसी से कान फट जाएंगे दूसरे के। सच बहुत तकलीफ पहुंचाता है, गाली शाली देने की जरूरत नहीं होती। Where you are right now and looking at our senior politicians like Imran and Nawaz and you know with your conviction to serve the people, where do you think they went wrong? Where do you think the system has failed us, right? But even you are trying to do something for the people within that system, right? Where do you think the politicians have failed us? Where do you think आपको क्या लगता है PTI किस पॉइंट पे खत्म हुई है या नहीं हुई है, जो भी किस पॉइंट पे आपको लगता है कि पार्टियां नहीं खत्म होती ना, मगर किस पॉइंट पे आपको लगता है कि PTI was a failure? पीपल्स पार्टी को नहीं खत्म कर सकी, दहाई का एग्जाइल नहीं खत्म कर सका, मियां साहब का 7 साल का एग्जाइल नहीं खत्म कर सका, तो ये भी कोई पीटीआई को खत्म नहीं करेगा। मगर आपको क्या लगता है किधर इमरान खान या नवाज शरीफ किधर फेल किया है इन लोगों ने, किधर ये लोग खुद फेल हुए हैं? बातें तो इमरान खान की बहुत सारी, अच्छा, और सेल्फिश शॉर्ट साइटेडनेस के साथ, और जहां तक लॉन्ग विजन है उसको फॉर ग्रांटेड लेके, अच्छा, लॉन्ग विजन को कि जी 10 साल बाद हम कहाँ हैं वो फॉर ग्रांटेड लेके, और सारे इकदाम शॉर्ट साइटेड करके, ये नॉट रियलाइजिंग कि ये वहां कनेक्ट ही नहीं हो रहे आपके लॉन्ग प्लान के अंदर। मतलब कि आप तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो रहे हैं अगर आप इस बहस में पड़ गए हैं कि कैदी को ए क्लास मिलेगी, बी क्लास मिलेगी या सी क्लास मिलेगी, मगर आप अमेरिका जाके इस पे जलसा कर रहे हैं। अमेरिका जाके जलसा कर रहे हैं इस पे बात हो रही है कि एसी उतरेंगे तो दाल होगी तो गोश्त होगा तो क्या होगा तो क्या नहीं होगा, ये नहीं कनेक्ट करता ना। आप वहाँ जाके एक ऐसी बात भी कर सकते थे कि वहाँ का बैठा पाकिस्तानी इतना मोटिवेट हो जाता, वो जज्बाती हुआ, बट वो अपने तई यार दुनिया, मुझे आप एक, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूरोप के अंदर जो करप्ट तरीन ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क है यूक्रेन। रशिया नंबर 1 कहा जाता था, यूक्रेन नंबर 2 कहा जाता था। वो मुल्क जिसपे इस वक्त बम के गोले गिर रहे हैं, दिन के कोई 15,000 शेल रशिया फायर करता है एट एन एवरेज, ये 4,000 शेल उनको मारते हैं। इन दैट सिनेरियो जहाँ इन्होंने एयर डोम और आयरन डोम बनाए हुए कीव के इर्द गिर्द, ये एक मैसिव प्राइवेटाइजेशन के अमल से और इकोनॉमिक और फाइनेंस के रिफॉर्म के अमल से गुजर रहे हैं, और इन्होंने अपना एक डिटेल्ड पॉलिसी पेपर भी लिख दिया 10 years ऑफ यूक्रेन फ्रॉम नाउ। ठीक है, हमारे यहाँ इसहाकदार साहब जाते हैं IMF के पास या अमेरिका के पास पैसे मांगने, चाइना के पास पैसे मांगने, वो कहते हैं हाँ जी अप्रूव्ड, बताएं प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और शक्ल देखते हैं वो पाजी लाने कितने थे कैसी। ठीक है, और पंजाबी बुरा ना माने, मेरी मादरी जुबान है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन ना, लिटरली पता ही नहीं करना क्या, ओए ये तो उन्होंने हाँ कह दिया, हमें तो लग रहा था 2 घंटे मनाने में लग जाएंगे कि भाईजान कुछ कर देना है, तो आगे वाला कर भी दे तो उनको नहीं पता कि करना क्या। वहां यूक्रेन की गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स जो हैं, तमाम दुनिया की जो बड़ी अकाउंटेंसी फर्म्स हैं और ये सिस्टम इंस्टॉलेशंस की फर्म्स हैं, इनसे बात करके कॉन्सेप्ट नोट्स बनवा रहे हैं, इनसे बैठ के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं कि हम अपने इस स्टेट एंटिटी को कैसे करें, उस स्टेट एंटिटी को कैसे करें, जो कि हजारों की तादाद के अंदर स्टेट एंटिटीज हैं यूक्रेन में, बिकॉज वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट मॉडल था जो रशिया छोड़ के गया था, तो दैट अलाउड अ रूम फॉर अ लॉट ऑफ करप्शन एज वेल। वो चूंकि कंप्लेसेंसी आ जाती है ना, मैं इसको ये बात नहीं कर रहा कि हमें कैपिटलिस्ट होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एग्जिस्टिंग सिस्टम रिफ्यूज टू वर्क, तो वो उसको चेंज कर रहे हैं। और ये थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा हाउ पोलैंड हैज रिफॉर्म्ड इटसेल्फ। पोलैंड जो के लेता था IMF से ग्रांट, वो अब लोगों को एड देने की पोजीशन में आया है। पोलैंड का बहुत बड़ा राइज है, दैट हैज टू बी स्टडीड, तो वो कर्व क्या है, हम पे कौन बम गिरा रहा है, हम पे कौन मिसाइल गिरा रहा है, हम गाजा हैं, हम क्या हैं, हम यमन हैं, हम खुद ही हम कौन हैं, हमारे पास क्यों नहीं है ये वक्त ये मीटिंग्स करने का और बात करने का, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ना कि इमरान सोच रहे नवाज को जेल में डालने, नवाज सोच रहे इसको जेल में डालने, हमारी सियासत भी अनफॉर्चुनेटली तमाम तरह चीजों के साथ, सब लोग जो है ना वो एक सोशल मीडिया पे ऑल्टर ईगो है, उसी ऑल्टर ईगो को लेके चल रहे हैं। हद ये है कि कल GIT भी एक बनी तो ये बनी कि जी सोशल मीडिया पे कोई दस्ता साहबान को कुछ कह दे तो उसमें DG IB भी आ गए, तो ISI भी आ गए, तो पुलिस भी आ गई, तो सब पकड़ के उठाएंगे और जेलों में डालेंगे और पर्चे काटेंगे।
जो कि भाई सोशल मीडिया पे बुरा लग गया, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, किधर फोकस कर रहे हैं। अरे छोड़ो ये आपको जो आज गाली दे रहा है, तस्लील कर रहा है, तुम करो नेशन बिल्डिंग के काम, लिखो जो फैसले लिखने थे अच्छे हक के, सच के, आइन के। ये 10 साल बाद तुम्हारे गुण गाएंगे, ये तारीख बताती है, ये तारीख बताती है कि आपने जिस जिसको आज बोले कोई अकबर मुक्ति गद्दार है मुल्क का, नेशनल मीडिया पे बैठ के बोल के देखे, एक्यूट माइनॉरिटी भी नहीं बोलती, उस वक्त क्या माहौल था, उस वक्त क्या माहौल था। तो टाइम प्रूव्स इटसेल्फ कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब लोग आज हम याद करते हैं, यार मुझे तो कहता था वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, याहिया ने नहीं, मगर पूरा 70 की दहाई, 80 की दहाई हमने क्या किया, हमने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, नहीं हमने पेंट ही दूसरे तरीके से किया ना। दैट्स व्हाट वी डू, अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट वी डू। तो इन चीजों से हमें सीखना है, इनसे बेहतर निकलना है, इनसे आगे निकलना है। एनी मैसेज फॉर द यूथ यू हैव कि वो आए इलेक्शन में वोट दें, लोगों पाकिस्तानियों को हिस्सा लें इलेक्शन में, कोई चीज मोटिवेशन के लिए आप उनकी बोलना चाहते हैं कि हाउ कैन दिस इलेक्शन बी अ गेम चेंजर फॉर देम इफ एट ऑल इट इज गोइंग टू बी। मुल्क में दो राय है, एक राय है जो इस्लामाबाद पिंडी की राय है और एक है राय शुमारी, ठीक है। दो राय से मुराद में ये नहीं कह रहा कि दो राय नेसेसरीली कॉन्फ्रंटेशन में होती हैं हर वक्त, हो सकता है जो वहाँ मकबूल हो यहाँ भी कबूल हो और जो यहाँ कबूल हो वहाँ भी मकबूल हो, बट एक तो वो राय है कि जी चूंकि आप देखें ना खबरें कैसे आ रही हैं, कराची में नून लीग को 5 नशस्तें मिलने का इम्कान, अरे भाई जीतना बोलना था, मीडिया कह रहा है मिलने का इम्कान, तो इसका मतलब कि जो ऊपर से आ रहा है खबर व्हाट्सएप पे, वो टिकर भी इसी तरह चल रहा है, मिलने का इम्कान, 7 नशस्तें मिलने का इम्कान, ये पहले से बढ़ गया है। एक है अवाम 24 करोड़ की, उनको ये मेहनत करनी है कि बाहर निकल के अपना वोट कास्ट करना है, उनकी राय की कदर तभी होगी जब वो बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे और भरपूर तादाद के अंदर करेंगे। हमारे यहाँ वैसे ही 50 से ऊपर वोट टर्नआउट नहीं होता। अगर इस एपथी की वजह से, इस रिजेक्टमेंट की वजह से आप 30% के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप खुद ही राइट ऑफ कर रहे हैं। आपने कम से कम अपने तई, अरे कुछ नहीं तो फॉर ब्रैगिंग राइट्स, अरे कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ बहस करने के लिए, यार मैं तो गया था, मैंने तो वोट डाला था। आप निकलें, आप अपनी इज्जत करें, मुल्क में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होनी चाहिए। ओ पहले पाकिस्तानी, मुल्क में रहते हुए अपनी तो इज्जत कर, अपने वजूद की तो इज्जत कर कि ये मेरा वोट है, ये मेरी शनाख्त है, ये मैं गया हूं और ये मैं डालूंगा, कोई लेके दिखाए मुझसे, फिर कहना कि जी अमेरिका में हमारी कोई इज्जत करे। अपने मुल्क में तुम अपनी इज्जत नहीं करते, दूसरे से तुमने करानी एयरपोर्टों के ऊपर, तो खुद आपने अपने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, खुद अपने आपने अपने आपको नोबडी बना दिया है। ऐसे मामला नहीं चल सकते। बाहर निकलिए, अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए वोट कीजिए, भरपूर तादाद में वोट कीजिए और वोट देके उसे कामयाब बनाइए, चाहे वो मेरा हरीफ ही क्यों ना हो। वो फिर सभा का 5 साल बाद सीखेंगे कि बेहतर था कि जरा नासे के लिए वोट कर देते। तो वो तो इंशाल्लाह। हाँ चलो लेट्स सी जो भी इलेक्शन के। थैंक यू सो मच जबरान फॉर हैविंग अस, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल कन्वर्सेशन। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इलेक्शन एंड आई होप द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। और पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर हो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको लेकर आए, और अगर आप जीते हैं जो भी, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि वी कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।